हे फ्रेंड, क्या आप बार बार क्लास करते करते परेशान हो चुके हो और इसका रिजल्ट है पेन। सो गाइस, भीड़ में ज़्यादा क्लास यूज़ करने से आपका जो हाथ है उसमें जैसे पेन होता है, उसके साथ साथ आपका मोटरसाइकिल में भी असर हो सकता है और इससे आपका जो क्लच प्लेट है वो जल जाता है और आपका जो क्लच वायर है दो दिन बाद बाद इसको चेंज करना पड़ता है। सो गाइस, चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सॉल्यूशन है हाइड्रोलिक क्लच एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। सो गाइस, अगर आप हाइड्रोलिक क्लच रिवर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको नॉर्मल क्लच की तरह उतना प्रेशर नहीं देना पड़ता है और यहाँ पे आपको मिलता है प्रीमियम लुक्स और इसके साथ साथ क्लच प्लेट चेंज करने का और आपका जो क्लच वायर चेंज करने का जो झंझट है वो यहाँ पे नहीं रहता है और एक बार लगाने से ये सालों साल चल जाता है। सो गाइस, चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। Hey, what's up guys, again welcome back to the channel. This is your friend Jay and you are watching Bikes and More. तो चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का वीडियो होने वाला है हाइड्रोलिक क्लच लीवर लेके। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने खरीदा है bangoo.com से और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप bangoo.com से प्रोडक्ट खरीदते हो तो यहाँ पे कस्टम्स और आपको जो टैक्सेस है उसका कोई झंझट नहीं है, आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपको घर पे डिलीवरी मिल जाएगा। सो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। सो गाइस, हाइड्रोलिक क्लच लीवर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे आपको हाइड्रोलिक क्लच लीवर और ब्रेक लीवर कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। अनबॉक्सिंग हाइड्रोलिक ब्रेक पंप एंड क्लच लीवर। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है bangoo.com से आ चुका है और ये 15 डेज में मुझे मिल चुका है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर क्या है देखते हैं। सो गाइस, इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही अच्छा है, तो चलिए इसको खोल लेते हैं जल्दी से और इसके अंदर क्या है आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस, ये है आपका प्रोडक्ट हाइड्रोलिक ब्रेक। सो गाइस, आप देख सकते हो इसका लुक्स और ये जो पार्ट है ये जाएगा इसके ऊपर में, तो इसका लुक्स आप देख सकते हो और इसका जो कलर है बहुत ही स्पोर्टी लुक देगा ये, और अगर ये ऑरेंज में मिल जाता तो अच्छा होता। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो मिरर का पॉइंट दिया गया है, तो आपका जो स्टॉक मिरर है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो और इसका जो लुक्स है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरे हॉर्नेट पे परफेक्टली आएगा फिट। सो गाइस, ये है आपका क्लच लीवर और ये सेम डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो पोर्शन है ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो आपका मेटल का है और आपका जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है वो सब आपका एल्युमिनियम का है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और यहाँ पे भी मिरर का पॉइंट दिया गया है और जो आपका जो क्लच लीवर का एडजस्टर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अनबॉक्सिंग हाइड्रोलिक क्लच मास्टर सिलेंडर रॉड। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये भी मैं bangoo.com से खरीदा हूँ और ये आ चुका है और ये सेमी एक ही साथ आया है, सब जो प्रोडक्ट है सब एक साथ आया है, तो यहाँ पे आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी बहुत ही कम है। तो चलिए प्रोडक्ट को देखते हैं खोल के इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। सो गाइस, ये है आपका हाइड्रोलिक क्लच मास्टर सिलेंडर और इसके साथ आपका फिटिंग्स हर एक मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको अलग से कोई भी चीज़ खरीदने का ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, चलिए प्रोडक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका वो एल्युमिनियम का है, तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा है आपको और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको खोलने से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो ये है पिस्टन है वो आगे पीछे आएगा और यहाँ पे आपका जो क्लच का जो वायर है वो जुड़ेगा और ये आगे पीछे जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आपको क्या चाहिए देखते हैं। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट चाहिए ऑयल होस लाइन पाइप। सो गाइस, ये प्रोडक्ट भी मैं bangoo.com से खरीदा हूँ, तो चलिए इसको खोल लेते हैं जल्दी से और इसके अंदर जो आपका पाइप है उसको दिखाते हैं। सो गाइस, ये है आपका ऑयल होस लाइन पाइप और इसका जो क्वालिटी है बहुत ही ऑसम क्वालिटी है, क्योंकि ये मेटल रैपिंग मिलता है यहाँ पे, तो इससे आपका जो पाइप है वो बहुत ही सेफ रहेगा और यहाँ पे फटने का चांसेस नहीं है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है इसको मिलता है एक बिग थंब। इंस्टॉलेशन। सो गाइस, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए ब्रेक एंड क्लच फ्लूइड। सो गाइस, ये आपको लोकल शॉप में मिल जाएगा और इसको मैं खरीदा हूँ 80 रुपीज़ में और ये आपको कोई भी लोकल शॉप में मिल जाएगा। और इसके साथ आपको चाहिए क्लच मास्टर सिलेंडर रॉड, आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट है ये चाहिए, और इसके साथ आपको चाहिए आपका जो क्लच लीवर है क्लच लीवर और आपका होस लाइन पाइप। सो इतना ही चाहिए आपको, ये तीनों मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए क्लच को कैसे इंस्टॉल करना है देखते हैं।
सो गाइस पहले यहाँ पे जितना भी एक्सेसरीज है और स्विच वगैरह है और आपका जो ओल्ड वाला क्लचेस है वो आपको निकालना पड़ेगा और यहाँ पे नया जो क्लच है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे नया वाला जो क्लच है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं मिलेगा। अगर आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, तो मैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस का एक अलग वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो ऑयल होस लाइन पाइप है उसको आपको प्लेस करना है और इसको जोड़ना है आपका जो क्लच लीवर है, क्लच लीवर के साथ इसको जोड़ लेना है। और यहाँ पे आपको क्लच मास्टर सिलेंडर जो रॉड है उसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे कोई भी अलग से कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए। और इसके बाद आपका जो ऑयल होस लाइन पाइप है उसको जोड़ना है आपका क्लच मास्टर सिलेंडर रॉड के साथ। और आपका जो कंटेनर है, कंटेनर को खोल लेना है और इसके अंदर आपका जो फ्लूइड है, फ्लूइड को आपको डाल लेना है। और यहाँ पे फ्लूइड को डालने के बाद आपको धीरे धीरे आपका जो क्लच लीवर है उसको प्रेस करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा बबल्स, और जितना देर ये बबल्स दिखेगा उतना देर आपको धीरे धीरे क्लच को प्रेस करना है। और उसके बाद जब हार्ड फील आएगा तो आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका ऑयल होस लाइन पाइप में एयर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो स्विच का जो प्लग्स है वो प्लग्स को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है तो आपका काम हो जाएगा। ब्रेक इंस्टॉलेशन, सो गाइस यहाँ पे ब्रेक इंस्टॉल करना बहुत ही इजी जॉब है। यहाँ पे आपको जो ओल्ड वाला लीवर है उसको निकालना है और नया वाला जो ब्रेक लीवर है उसको इंस्टॉल करना है। और आपका जो होस लाइन पाइप है ओल्ड वाला उसको कनेक्ट करना है आपका नया वाला ब्रेक के साथ। और यहाँ पे कंटेनर में डालना है आपको फ्लूइड और धीरे धीरे आपका जो ब्रेक है उसको प्रेस करना है, इससे आपका जो होस लाइन पाइप में जितना भी एयर है वो बाहर निकल जाएगा। और जब आपको हार्ड फील आएगा तो अब आपको इसको छोड़ना है। तो इतना ही काम है, इससे आपका जो ब्रेक है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, इससे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। और यहाँ पे आपका जो स्विच का प्लग है उसको डालना है आपका जो नया वाला ब्रेक है ब्रेक के साथ, तो यहाँ पे आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा हॉर्नेट का लुक्स, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्पोर्टी लुक मिल रहा है और इसका जो कलर्स है वो बहुत ही निखर रहा है यहाँ पे। तो इसका जो क्लच का फील है बहुत ही बेहतरीन है, पहले से बहुत ही स्मूथ है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए। सो गाइस यहाँ पे आफ्टर 15 डेज आपको कंप्लीट रिव्यू मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका एक्सपीरियंस कैसा है वो मिल जाएगा यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्लच है इसको आप एक उंगली से इसको दबा सकते हो। तो जितना प्रेशर पहले आपको देना पड़ता था उतना प्रेशर आपको अभी नहीं देना है, तो मेरे ख्याल से क्लच का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो जल्दी से हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा मोटिवेशन टिप्स एंड लेटेस्ट टिकरिंग वीडियो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ गुड डे। फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो एंड फ्री स्टिकर फायर क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन और क्लिक ऑन #bikes and more।